हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन भी है, किडनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किडनी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होती है, कितना इम्पोर्टेंस रहता है हमारी बॉडी को और हमारी लाइफ के लिए किडनी का। आजकल आप देख ही रहे हैं कि कितना किडनी इन्फेक्शन, किडनी डिजीज, किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा, मतलब ये देखने को, सुनने को आपको आपके आसपास मिलता ही होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है, उसी से रिलेटेड कि किडनी डैमेज होने के या किडनी खराब होने के हमें क्या क्या सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं या होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा किडनी के 14 जो सिम्टम्स हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो प्लीज वीडियो को फ्रेंड्स आखिर तक देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कि किडनी डैमेज होने के क्या क्या सिम्टम्स हमें महसूस होते हैं बारे में। किडनी की बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि जब हमारी किडनी 80-90% खराब हो जाती है, तब जाकर के हमारे बॉडी में कोई सिम्टम्स यानी कि कोई लक्षण दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। उन लक्षणों को अगली स्टेज में पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप किडनी के बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको क्या चीज करना चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहला लक्षण है वो ये है कि प्रसाव करते वक्त आपको उसमें या तो दर्द हो सकता है या फिर आपको जलन महसूस हो सकता है। ये पहचानना बहुत ज्यादा इजी है। जब भी आप पेशाब करेंगे तो वहां पर आपको दर्द महसूस हो सकता है या फिर आपको जलन जैसा महसूस हो सकता है, तो इन सिम्टम्स को भी आप इजीली नोटिस कर सकते हैं। उसमें जो दूसरा लक्षण है वो ये है कि आपको पीछे ठीक कमर के ऊपर दोनों साइड में आपको दर्द हो सकता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि किडनी जो है हमारे कमर के ठीक ऊपर प्रेजेंट होती है, पीछे की साइड में, तो वहां पर आपको दर्द महसूस हो सकता है या फिर आपको सूजन जैसा महसूस हो सकता है। कमर दर्द जब होता है तो वो हड्डियों में दर्द होता है, और जब किडनी का पेन होगा वो आपको इंटरनली पेन होगा, तो उस पेन को आप नोटिस कर सकते हैं। ओके, उसमें जो तीसरा सिम्टम्स नोटिस होता है वो ये रहता है कि पेशाब करते वक्त आपको रुकावट सी महसूस हो सकती है। ठीक है, पेशाब करने का मन तो करेगा बट आपको पेशाब जो है रुक रुक के आएगा, तो इन सिम्टम्स को भी आप इजिली नोटिस कर सकते हैं। उसमें जो फोर्थ लक्षण है वो ये है कि रात को सोने के बाद आपको कितने टाइम पेशाब आता है। अगर दो टाइम है, अगर दो टाइम से ज्यादा आपको पेशाब आता है, तो कहीं ना कहीं आपको किडनी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। और अगर आपको पेशाब अगर एक टाइम आता है तो ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, अगर दूसरे टाइम आता है तो भी आपको सोचने की जरूरत जरूर है कि आखिर आपको दूसरे टाइम पेशाब क्यों आया। या तो आपने मीठा ज्यादा खाया होगा या तो आपने पानी ज्यादा पिया होगा। अगर इनमें से आपको कोई भी दोनों केस नहीं होता है, फिर भी आपको पेशाब आता है, ठीक है, तो रुक रुक के आता है, तो इस चीज को आपको नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दो टाइम से ज्यादा आता है तो आपको जरूर से जरूर डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ओके, इसमें जो फिफ्थ लक्षण दिखाई देता है वो ये रहता है कि आपके पैरों में सूजन हो सकती है। तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण है, इसलिए आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि जब भी आप सुबह सो के उठेंगे तब आपको पैरों में सूजन हो सकती है, या फिर आप ज्यादा देर तक बैठेंगे तब आपको पैरों में सूजन हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप नोटिस कर सकते हैं। और उसमें जो सिक्स्थ लक्षण है वो ये है कि जब भी आप सुबह सो के उठेंगे तो आपके मुंह और आंखों के पास जो है सूजन सी महसूस होगी। तो ये जनरली जब भी आप सो के उठते हैं तभी आपको ये महसूस होता है, आपका मुंह जो है फूला फूला सा लगेगा, आपके आंखों के चारों साइड जो है आपको स्वेलिंग सी महसूस होगी। तो इन लक्षणों को भी आप इजिली नोटिस कर सकते हैं। और उसमें जो सेवन लक्षण है वो ये है कि आपका जो स्किन है उसमें या तो आपको खुजली महसूस होगी या तो रेडनेस सी हो जाएगी, स्किन से रिलेटेड बेसिकली आपको प्रॉब्लम होगी। तो इन लक्षणों को भी आप नोटिस कर सकते हैं बहुत इजीली। उसमें जो एक लक्षण है वो ये है कि जो आपका वजन है वो तो या तो अचानक बढ़ने लगेगा या फिर अचानक ही कम होने लगेगा। तो इन सिम्टम्स को नोटिस कर सकते हैं। जब भी वजन हमारा अचानक बढ़ता है या फिर अचानक ही कम होने लगता है तो हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी के संकेत होते हैं। तो इस सिम्टम्स को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। ओके, उसमें जो नाइन्थ है उसमें आपको पेट से रिलेटेड आपको समस्या हो सकती है, या तो जीभ मिचलाने की समस्या हो सकती है, पेट में उल्टी जैसी समस्या हो सकती है, या फिर आपको पेट में दर्द हो सकता है, अपच की समस्या हो सकती है, या फिर आपको एनी अदर रीजन पेट से रिलेटेड होता है
तो इन सिम्टम्स को भी आप इजीली नोटिस कर सकते हैं। इन सारे लक्षणों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ओके। और इसमें जो टेंथ है उसमें ये है कि आपको जब भी आप पेशाब करेंगे तो आपको झाग जैसा महसूस होगा, जो सड़क पर झाग होता है ना वैसा सा झाग बनेगा, या फिर आपके पेशाब में बदबू भी महसूस हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है, इन लक्षणों को भी आप इजीली पहचान सकते हैं, ओके। और इसमें जो 11th है वो ये है कि जब भी आपको मतलब जब भी आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही थक जाएगी, आपको थकावट सा महसूस होगा, आपकी बॉडी में पेन होगा, ठीक है, आपकी बॉडी थका थका सा महसूस करेगी। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है, जब भी आपकी बॉडी में ऐसा कुछ सिम्टम्स नोटिस हो, जल्दी आप थक जाए, तो इसको जरूर पहचानिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इन लक्षणों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और इसमें जो 12th है वो ये है, अदर्स में जैसे कि आपके बॉडी में या तो ठंड लगेगी या तो आपको बुखार आएगा या फिर आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, इरिटेशन सी होगी, ठीक है, तो ये सारे लक्षण अगर आपको नोटिस होते हैं, सर में दर्द होता है, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और भी आपके बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नोटिस होता है तो उन लक्षणों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उसको आपको पता लगाना है कि आखिर मेरे बॉडी में ये सिम्टम्स क्यों हो रहा है, ओके। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको किडनी की बीमारी हो, क्या पता आपके बॉडी में कोई अनदर बीमारी हो रही हो, तुम्हारी बॉडी एक सिम्टम जो है, एक साइन जो है शो करती है, बट बस हमें उस साइन को पहचानना है ताकि हम बड़ी बीमारी से बच सके, ओके। सो अब बात करते हैं कि अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या चीज करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने काफी सारे लक्षण बताए, अब इन लक्षणों को आपको नोटिस करना है कि आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपके मन में हल्का सा भी डाउट होता है तब आपको अपने नियर बाय नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर से जरूर जाना है, उनसे कॉन्टेक्ट करना है, उनसे सारी सिम्टम्स के बारे में बतानी है, तो डॉक्टर जो है फिर फर्दर आपको इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो चालू करेंगे। और उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपको किडनी की बीमारी निकले या फिर आपको कोई और निकले या फिर आप बिल्कुल फिट हो, हल्की सी बीमारी हो, ठीक है, तो आपके मन में कोई भी डाउट हो आप डॉक्टर से जरूर कॉन्टेक्ट करिए, आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, ओके।